हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड को लेकर के नोमेनक्लेचर को सीखा था। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिए गए थे, उन क्वेश्चंस को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए भाई, यहाँ पर तीन फंक्शनल ग्रुप आपको देख रहे हैं, एक SH है, एक SO3H है, एक COOH है। तीनों में प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे साइड चेन में आता है। तो देखो, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है, तो फिर आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? उसी कार्बन से जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का हो, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है नेचर में। तो पहली पोजिशन तो दे देंगे हम लोग इस कार्बन को, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। सात कार्बन की ये चैन हो गई, जिसमें एक कार्बन का ये सब ग्रुप होगा, दो कार्बन का ये सब ग्रुप होगा, ये मरकैप्टो सब ग्रुप हो जाएगा और ये सल्फोनिक एसिड भी सब ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, सात कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, हैप्ट। डबल बॉन्ड कहीं है नहीं तो एन आ जाएगा, और पहली पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो एक एसिड आ गया। ओके, अब देखो, एक लगा है मिथाइल और एक ये लगा है एथाइल, एक लगा है सल्फोनिक एसिड और एक लगा है थायो एल्कोहल। तो देखिए, इसके लिए आप प्रीफिक्स लगाते हैं मिथाइल, इसके लिए एथाइल, इसके लिए सल्फो, इसके लिए मरकैप्टो। तो एथाइल का ही सबसे पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे आप? फोर एथाइल, फोर एथाइल, उसके बाद एथाइल के बाद कौन आएगा? मिथाइल, मरकैप्टो या सल्फो। मरकैप्टो आएगा कौन सी पोजीशन पे? फिफ्थ पोजीशन पे। तो फाइव मरकैप्टो, उसके बाद कौन आएगा? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे? टू। तो टू मिथाइल, उसके बाद में सल्फो, थ्री सल्फो, हेप्टेन, वन ऑयक एसिड। वापस से समझिए, चौथी पोजीशन पे दो कार्बन का सब ग्रुप था इथाइल, ई सबसे पहले आता है तो फोर इथाइल लिख दिया। उसके बाद आपका एक मरकैप्टो बचा, एक मिथाइल बचा और एक सल्फो बचा। मरकैप्टो में एम ई दो तो सेम है, उसके बाद आर आ रहा है या टी आ रहा है, तो आर और टी में कौन पहले आता है? आर। तो हमने मरकैप्टो को पहले लिखा, उसके बाद टू मिथाइल, आफ्टर दैट थ्री सल्फो, हैप्टेन, वन ऑयक एसिड। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जरा, अगेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, पहली पोजीशन दे दी आपने इसके कार्बन, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, या तो चार कार्बन की चेन या फिर ये सब ग्रुप को सिलेक्ट, फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करें और वन टू थ्री फोर, ये चार कार्बन की चेन और यही चेन लेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा है और ये आ जाएगा इसमें सब ग्रुप। जरा देखो कितने कार्बन की चेन हो गई, चार। चार कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या कहें? डबल बॉन्ड है? नहीं है। पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड है तो ब्यूटेन वन अल हो गया। अब देखिए, थर्ड पे लगा है ऑक्सो या कीटो और साथ में ये सब चेन साइड चेन, क्योंकि साइड चेन को जरा देखो, जो फ्री वैलेंट कार्बन है वो कहां है? बीच में है, तो फिर ये कैसा सब साइड चेन हो गए कॉम्प्लेक्स। तो फिर जो फ्री वैलेंट कार्बन है उसको पहली पोजीशन देके लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लो, तो ये दोनों यहां पर भी क्या हो जाएंगे? सब ग्रुप। तो पहली पोजीशन पे दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो नाम क्या होगा? 1-1-1- डाइमिथाइल इथाइल। अब डाइमिथाइल इथाइल और ये ऑक्सो, तो ऑक्सो बाद में आएगा वो, तो लिखो क्या लिखेंगे? देखो कौन सी पोजीशन पे? दूसरी, दूसरी पोजीशन पे 1-1- डाइमिथाइल इथाइल, ये क्या है? थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो, तो थ्री ऑक्सो ब्यूटेन वन अल, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। देखिए, पहली पोजीशन तो यहां पर मिल जाएगी किसको? इस कार्बन को, जो कि कार्बोनिल क्लोराइड का है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन कार्बन की चेन, जिसे एक CN लगा है, एक SH लगा है, एक मिथाइल ये लगा है, एक मिथाइल ये लगा है और एक मिथाइल ये लगा है। तो देखिए, सेवन कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? हैप्टेन बोलते हैं। तो है
डबल बॉन्ड है तो ई लगेगा कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे ऑयल क्लोराइड आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है भाई, हाइड्रोइन वन ऑयल क्लोराइड हो गया सर। अब देखो ये मिथाइल है, ये साइनाइड है, और जबकि ये मरकैप्टो है, तो साइनाइड का सी पहले आता है, तो अब क्या लिखेंगे, सिक्स साइनो, मैं ऊपर लिख देता हूँ स्पेस का, मैं थोड़ा सा सिक्स साइनो, उसके बाद मिथाइल आएगा या मरकैप्टो आएगा, मरकैप्टो आएगा तो कौन सी पोजीशन पे, फाइव, फाइव मरकैप्टो, उसके बाद मिथाइल लेता है, कौन कौन सी पोजीशन पे है, फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स ट्राई मिथाइल, क्योंकि फोर्थ पर भी है, फिफ्थ पर भी है, सिक्स पर भी है, तीनों जगह मिथाइल है, तो नाम हो गया सिक्स साइनो फाइव मरकैप्टो फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स ट्राई मिथाइल हैव टू इन वन ऑयल क्लोराइड। फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं, पहली पोजीशन अगेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, अमाइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, एक ये अल्कोहल और एक दिया। सिक्स कार्बन की चेन को आप बोलते हैं हेक्स, डबल बॉन्ड है नहीं तो लिखेंगे हेक्सेन, पहली पोजीशन पे लगाए अमाइड तो नाम आ जाएगा अमाइड, ठीक है, तीन जगह मिथाइल एक हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी का एच पहले आता है तो क्या लिखेंगे, फोर हाइड्रोक्सी, ब्रोमो का भी उससे भी पहले आता है तो क्या लिखेंगे, टू ब्रोमो, टू ब्रोमो फोर हाइड्रोक्सी फाइव कॉमा फाइव डाई मिथाइल हेक्सेन वन अमाइड। देखो छह कार्बन की चेन, हेक्सेन हो गया, पहली पोजीशन पे अमाइड फंक्शन हुआ तो अमाइड लगा दिया, एक ब्रोमो है, एक हाइड्रोक्सी है, दो मिथाइल है, तो ब्रोमो का भी सबसे पहले तो टू ब्रोमो फोर हाइड्रोक्सी फाइव कॉमा फाइव डाई मिथाइल हेक्सेन वन अमाइड। देखिए एक लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने बात करी थी तो अमाइड का एक कंपाउंड आया था, एग्जाम्पल आया था, जब मैंने सफिक्स कार्बोक्सामाइड यूज किया था, तो कुछ लोग बोले थे कि भाई सर आपने अमाइड कैसे कार्बोक्सामाइड का यूज कर लिया, आपने तो सफिक्स अमाइड लिखा है, तो वहां पे आप देखिए वो जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, और जब रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है कोई फंक्शनल ग्रुप तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, इसीलिए वहां पे कार्बोक्सामाइड यूज किया है। दूसरी बात, वहीं पे मैंने टेबल जो बनवाई थी उसमें प्रीफिक्स लिखाया था अमाइड के लिए, तो वहां पे मैंने प्रीफिक्स में कार्बन ऑयल लिखाया है, तो देखिए जो अमाइड होता है उसके लिए दोनों प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हैं, अमाइडो भी यूज कर सकते हैं और कार्बन ऑयल भी कर सकते हैं, दोनों ही प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हैं फॉर अमाइड, इस चीज को आप याद रखेंगे, चाहे अमाइडो लिखे या कार्बन ऑयल लिखे वो था करेक्ट। इसके पास आते हैं हम लोग, ठीक है, कितने कार्बन की चेन मिलेगी हमें, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन की चेन, वन टू थ्री फोर फाइव, भाई एल्डिहाइड था ये कीटोन है, एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते हैं तो इधर से नंबरिंग की, पांच कार्बन की चेन को आप बोलते हैं पेंट, डबल बॉन्ड है नहीं तो पेंटेन, और पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड है तो बंडल हो जाएगा, तीसरी और चौथी पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ है तो थ्री कॉमा फोर डाइऑक्सो पेंटेन वन अल, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। फिफ्थ वाले एग्जांपल पे आते हैं, ऊपर देखो जरा, कीटो जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को पहली पोजीशन देंगे तो वन टू थ्री फोर, चार कार्बन की चेन और चार कार्बन की चेन को आप बोलते हैं ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं और पहली पोजीशन पे ईस्टर है तो वन ओएच, ओके। अब इस ईस्टर में जो ऑक्सीजन से लगा हुआ सब ग्रुप होता है उसे लिखा जाता है सबसे आगे, तो सबसे आगे कौन आएगा, मिथाइल, मिथाइल, तीसरी और चौथी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो थ्री कॉमा फोर डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन वन ओएच, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। अब स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को,
देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें बेंजीनॉइड पढ़ने होते हैं, जहां बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं। तो बेंजीन के केस में आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात, इफ बेंजीन रिंग इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन, बेंजीन रिंग इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन, then use the suffix benzene. बाइंडरूट जो आप यूज करने वाले हैं वो suffix की तरह यूज करेंगे, मतलब बाद में लगाएंगे, that is the benzene. और if benzene ring is treated as साइड चेन, देन वी यूज द प्रीफिक्स फिनाइल. अगर पेरेंट चेन की तरह ट्रीट हो रहा है तो फिर आप वर्ड रूट यूज करते हैं, जो कि बेंजीन की फॉर्म में मतलब सफिक्स की तरह यूज करेंगे। जबकि अगर इसे साइड चेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो फिर हम लोग इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज द फिनाइल। देखिए बेंजीनल कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो अगर इन कंपाउंड में कोई एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं उन्हीं को हम लोग आईयूपीएसी नेम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए पहला रूल क्या होगा यहाँ पे, रूल वन, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पजेस ओनली वन फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज directly attached to the benzene ring, then common names are treated as आयुपैक नेम। अगर किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आयुपीएस कॉमन नेम है उस कंपाउंड का उसी को आयुपीएसी नेम की तरह ट्रीट करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी बेंजीन की बात करता हूँ। बेंजीन क्या होता है, एक साइक्लोहेक्सेन है जिसमें अल्टरनेटिव पोजिशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के एक हाइब्रिड बनाते हैं जहां बॉन्ड्स को बनाने का चक्कर ना बचे, और इसीलिए इसमें बीच में सर्कल बना देते हैं। ये सिंपली ये भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आईयूपीएसी नेम की बात कर लेते हैं। देखिए कौन है, साइक्लिक, तो साइक्लो है, छह कार्बन है तो हेक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपली जहां मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे वहां से स्टार्ट करेंगे, चाहे यहां से करोगे यहां से करोगे तो उधर जाएंगे, यहां से करोगे तो उधर चले जाएंगे। साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राईइन, और ये साइक्लोहेक्स ना बोल करके और बेटर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हेक्सा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये आईयूपीएसी नेम होता है साइक्लोहेक्सा 1, 3, 5 ट्राईइन, बट हम लोग बेंजीन यूज करते हैं एज द कॉमन नेम और उसी को ट्रीट भी करते हैं आईयूपीएसी नेम। तो बेंजीन चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपकी बेंजीन की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जहाँ सिंगल फंक्शनल ग्रुप होता है जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है, तो जो कॉमन नेम उन्हीं को आईयूपीएसी नेम की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
पहली पोजीशन दे दी हमने इसे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। नाम क्या हो जाएगा इसका? बेंजीन वन ऑल, या इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। और जो ये फिनॉल नाम है इसी को आईयूपीएसी नेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सिमिलरली सी डबल ओ एच, इसका नाम क्या हो जाएगा? पहली पोजीशन इसे दे देंगे तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन नीचे डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन कार्बन पेरेंट चेन में इंक्रीज नहीं, इंक्लूड नहीं हो रहा, तो सफिक्स क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कॉमनली से हम लोग बोल देते हैं बेंजोइक एसिड, और यही नाम इसका आईयूपीएसी नेम की तरह प्रेफर किया जाता है। कॉमन भी यही है, आईयूपीएसी भी यही। मान लीजिए ये ले लिया हमने CONH2, जिसका अगर नाम देखें तो क्या होगा? बेंजीन वन कार्बोक्सामाइड, लेकिन कॉमनली से हम लोग बोलते हैं बेंजामाइड, और इसी को एज द आईयूपीएसी नेम भी ट्रीट करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, बेंजीन रिंग थी जिससे डायरेक्टली आपने CN को अटैच कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन वन कार्बो नाइट्राइल, बट एज वी नो दैट कॉमन नेम को प्रेफर करते हैं एज द आईयूपीएसी नेम, तो क्या बोलेंगे? बेंजो नाइट्राइल। तो बेंजो नाइट्राइल इज प्रेफर्ड एज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमने ले लिया बेंजीन रिंग को, उसके ऊपर डायरेक्टली अटैच कर दिया CHO, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीन वन कार्बेल्डिहाइड, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है बेंजाल्डिहाइड, और उसी को हम लोग ट्रीट करते हैं एज द आईयूपीएसी नेम। सिमिलरली बेंजीन रिंग लीजिए, उसके ऊपर NH2 लगा दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन बन अमाइन, जिसको सिंपली हम लोग कॉमनली बोलते हैं बेंजामाइन, विच इज ट्रीटेड एज द आईयूपीएक नेम ऑफ द कंपाउंड। हमने बेंजीन रिंग ले ली और उसके ऊपर लगा दिया OCS3, इसको हम लोग बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, इसका आईयूपीएक नेम होता है मेथॉक्सी बेंजीन, बट कॉमन नेम इसका हम लोग यूज करते हैं एनिसोल, और इसी को ट्रीट करते हैं एज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग से अटैच डायरेक्टली एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उन कंपाउंड के जो कॉमन नेम्स होते हैं उन्हीं को आप आईयूपीएसी नेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रूल टू की अब हम लोग बात करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग आईयूपीएसी रूल्स को फॉलो करते हुए ऐसे कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिस कार्बन से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप सबसे सीनियर हो या मेन फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इफ टू और मोर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ टू और मोर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, then we should start numbering from that carbon to which main functional group is attached, to which main functional group is attached. For example,
आपने कंपाउंड लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इस कंपाउंड को लिया, देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है एक ही कंपाउंड में, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इससे जुड़े हुए कार्बन को पहली पोजीशन दी दी है और आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग को फिर करते जाइए। सिक्स कार्बन की चेन सिंपली ये बेंजीन है, यहाँ तीसरी पोजीशन पे अल्कोहल है तो थ्री हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, भाई इसे अगर छुपाना तो ये तो बेंजोइक एसिड था, तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो थ्री हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही टाइप के दोनों होते तो C-OH, तो फिर कहीं से नंबरिंग कर देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नाम क्या हो जाता, बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऐसी सिचुएशन की बात कर ली कि जब किसी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वहां से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली हम लोग थर्ड रूल की बात करते हैं, अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है या कोई भी हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिसमें ओपन पार्ट भी है और रिंग पार्ट भी है, तो आप हमेशा ओपन पार्ट को ही पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे एक्सेप्ट इन टू केसेस जब वो ओपन पार्ट मिथाइल और इथाइल हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ हाइड्रोकार्बन पजेस बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट देन वी और देन वी सिलेक्ट ओपन पार्ट एज द पेरेंट चेन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मिथाइल एंड इथाइल। अगर कोई हाइड्रोकार्बन बोल समझना, हाइड्रोकार्बन बोला है मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है अभी, ऐसी सिचुएशन में ओपन पार्ट भी है और रिंग पार्ट भी है, तो फिर आप ओपन पार्ट को पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करते हैं। शर्त ये है कि जो ओपन पार्ट है वो मिथाइल या इथाइल के अलावा कुछ और होना चाहिए। तो देखो बेंजीन रिंग, इससे डायरेक्टली मिथाइल जुड़ा होता तो आप इसका नाम क्या बोलते, सिंपली मिथाइल बेंजीन बोल देते। या दो कार्बन होते तो इथाइल बेंजीन बोल देते। लेकिन अगर यहीं पे हमने क्या करा कि कुछ इस तरीके से ले लिया, ठीक है कितने कार्बन मिल गए, चार, तो मैंने बोला है दो कार्बन से ज्यादा कोई भी सिचुएशन हो आप हमेशा इसको क्या करेंगे, पेरेंट चेन की तरह मानेंगे। तो यहां पर ये कितने कार्बन की चेन, चार कार्बन की, नंबरिंग देखिए 1, 2, 3, 4। सेकेंड पोजिशन पे कौन लगा है, फिनाइल, तो नाम क्या होगा, 2-फिनाइल ब्यूटेन, 2-फिनाइल ब्यूटेन। सेकेंड पोजिशन पे फिनाइल लगा हुआ है, चार कार्बन की चेन है जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया ब्यूटेन। सिमिलरली ये होता तो अगेन तीन कार्बन की चेन होती, तीन कार्बन की चेन को बोलते हैं आप प्रोप, सेकंड डबल बॉन्ड है नहीं तो प्रोपेन, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल लगा है तो 2-फिनाइल प्रोपेन नाम हो जाता। लेकिन इसका कॉमन नेम आप याद रखेंगे, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये कॉमन नेम हो जाएगा। ऐसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन, क्या बोलते हैं, क्यूमीन भी बोलते हैं, तो इसका ये कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, क्योंकि आईयूपीएसी क्या हो गया, 2-फिनाइल प्रोपेन। रूल 4 की बात करते हैं,
देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ओपन पार्ट भी है रिंग पार्ट भी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोग उस पार्ट को पेरेंट चेन की तरह सिलेक्ट करते हैं जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप पजेस बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट, ओपन एंड रिंग पार्ट, देन वी सिलेक्ट दैट पार्ट एज द पेरेंट चेन which have a functional group अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ओपन पार्ट और रिंग पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो फिर आप उसे पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे जिस पार्ट से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए हम लोगों ने बात करी थी अभी कि भाई दो कार्बन से ज्यादा अगर ओपन पार्ट में है तो उसे पेरेंट चेन की तरह ले लेंगे बेंजीन के केस में, बट आपको यहाँ पे याद पता होना चाहिए कि भाई तब फंक्शनल ग्रुप नहीं था, बिना फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड थे, सिंपली हाइड्रोकार्बन थे। लेकिन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं जब फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस पार्ट को पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करते हैं जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पेरेंट चेन कौन हो जाएगी, ये पहली पोजिशन किस कार्बन को देते थे जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फोर्थ पोजीशन पे ये कौन है, प्रोपाइल लगा हुआ है, तो 4-propyl-benzene-1-ol या 4-propyl-phenol भी बोल सकते थे आप। अब अगर यहाँ पे आए तो ये हो जाएगी आपकी पेरेंट चेन, ये हो जाएगा एक सब ग्रुप। तो देखो 3, 1, 2, 3, तो नाम होगा 3-phenyl-propane-1-ol। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो इसे पेरेंट चेन मान लिया, अगर यहाँ पर है तो इसे पेरेंट चेन मान लिया, रूल 5 की बात करता। अब अगर कंडीशन ऐसी है कि भाई ओपन पार्ट भी है और रिंग पार्ट भी है और दोनों से ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, तब हम लोग उस पार्ट को पेरेंट चेन की तरह सिलेक्ट करते हैं जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ। क्या बोलेंगे, इफ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू बोथ द रिंग पार्ट एज वेल एज टू द ओपन पार्ट एज वेल एज टू द ओपन पार्ट देन वी सिलेक्ट दैट पार्ट एज द पेरेंट चेन to which main functional group is attached, to which main functional group is attached, जिससे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल,
देखिए भाई, यहाँ पे ये ओपन पार्ट है, ये रिंग पार्ट है। ओपन पार्ट से जुड़ा हुआ है सी डबल ओ एच, यहाँ पे जुड़ा है ओ एच। तो फिर भाई मेन फंक्शनल ग्रुप कौन, सीनियर कौन, सी डबल ओ एच। तो ये हो जाएगी आपकी पेरेंट चेन, जबकि हो जाएगा सब ग्रुप। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब ग्रुप। जरा देखो, तीन कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, प्रो। डबल बॉन्ड है नहीं तो प्रोपेन पहली पोजिशन पे, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑइक एसिड, 1 2 3। अब तीसरी पोजिशन पे ये लगाया क्या, कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप, तो 1-2-3-4। तो देखो क्या लिखेंगे, थर्ड पोजिशन पे लगा है, इसमें 4- पे हाइड्रोक्सी है, तो 4- हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4- हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन 1-ऑइक एसिड। बिल्कुल सिमिलर वे में यहीं पे अगर मैंने क्या किया होता, ऊपर ले लिया CH2CH2OH और यहाँ पे जुड़ा होता COOH। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये मेन नहीं है, ये जूनियर है। तो फिर ये पेरेंट चेन हो जाएगी 1 2 3 4। क्या नाम होगा, देखो, बेंजीन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं आप, या बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। लेकिन इसकी चौथी पोजीशन पे ये साइड ग्रुप लगा है, यहाँ पे 1-2 हो जाएगा 2- हाइड्रोक्सी एथाइल। कौन सी पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे। तो 2- हाइड्रोक्सी एथाइल बेंजीन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड, या 2- हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल 6, और रूल 6 क्या कहता है, जरा देखो। रूल 6 कहता है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, तो फिर आप बेंजीन रिंग को पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ एनी साइक्लोएल्किल पार्ट या साइक्लोएल्केन पार्ट डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, देन बेंजीन इज ट्रीटेड एज parent chain. For example, ये से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपाइल बेंजीन। ऐसा हो सकता है कि भाई कौन सी पोजीशन, तो पोजीशन जरूरी नहीं कि एक ही इकलौता, तो वन साइक्लोप्रोपाइल बोलो या साइक्लोप्रोपाइल बोलो, अंडरस्टूड है। मान लीजिए यहीं पे ये हो जाए साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। इस तरीके से आप आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया इसको, मान लीजिए इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को पहली पोजीशन दे दो, 1 2 3 ओपन पार्ट में फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे पेरेंट चेन की तरह सिलेक्ट करेंगे, जबकि ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो तीन कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रो। डबल बॉन्ड है नहीं तो प्रोपेन, पहली पोजीशन पे कीटोन है तो प्रोपेनॉन, पहली पोजीशन पे ही फिनाइल लगा है तो 1-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑन। सिमिलरली मान लीजिए हो जाए CHO और ये OH, तो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो 1-2, तो नाम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी, इसे बोलते हैं बेंजीन 1-कार्बोनिल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। मान लीजिए आपने कंपाउंड ले लिया, ये इधर VR लगा है, इधर CL लगा है, इधर हाइड्रोक्सी लगा है। तो देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो के B को सेकंड पोजीशन, जबकि यहां से क्लोरो, तो 1 2 3 4 5 6। छह कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, बेंजीन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया तो डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में बोल दे रहा हूं।
या बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते थे। नाम क्या हो जाएगा? टू ब्रोमो सिक्स क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी डैश और यहां पे फिर उसके बाद में बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। अब हमारे पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके आपको कॉमन नेम्स डायरेक्टली याद रखने होते हैं। देखिए कुछ तो डायरेक्टली ऐसे हैं, बेंजीन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उन्हीं कॉमन नेम को पेरेंट आप आईयूपीएसी नेम की तरह भी ट्रीट कर लेते हैं। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड हमारी क्लास 12 लेवल पे यूटिलाइज होने वाले हैं उन सभी के कॉमन नेम जिनके हमें याद रखने हैं उनके नेम्स को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। देखते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जिनके नाम हमें याद रखने। सिंपली क्लोरीन जब बेंजीन से लगा है इसका कॉमन नेम होता है आपका क्लोरोबेंजीन, आईयूपीएसी नेम की तरह आईयूपीएसी नेम भी यही होता है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजिल क्लोराइड, जब दो होते हैं तो इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, और जब एक ही कार्बन की तीन वैलेंसी को क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा होता है तो बोलते हैं बेंजो क्लोराइड। और इसी तरीके का एक और है, मैं उसको भी यहां पे मेंशन कर देता हूं। अगर होता है ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एल तो उसे बोलते बेंजोइल क्लोराइड। डिफरेंस समझना, बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, इट इज द बेंजोइल क्लोराइड। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले उसे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये है कोई भी बेंजीन रिंग, यहां पर कोई भी ग्रुप एक्स लगा हुआ है, तो इस एक्स के रेस्पेक्ट में जो नेबरिंग पोजीशन होते हैं इनको बोलते हैं ऑर्थो, यानी आप क्या बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। जो मिडिल वाली होती है ये इन्हें बोलते हैं मेटा पोजीशन, जबकि इसे क्या बोलते हैं आप पैरा पोजीशन। अगर मान लो ये एक्स यहाँ पे लगा होता तो इसके अड़ोस पड़ोस में ये ऑर्थो हो जाती है, मेटा हो जाती है, पैरा। मतलब जो ऊपर वाली है वो ऑर्थो, जो बीच वाली है वो मेटा, और जो पैरों के पास है वो पैरा पोजीशन। अब जरा देखो यहां पर दो क्लोरीन है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे लगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे इसे ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। नाम क्या होगा? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। अब इसको देखो इसे क्या लिखेंगे, ये मेटा पे है तो क्या लिखेंगे, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। इसे क्या लिखेंगे, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब आ जाओ इसे, इसे हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम होता है मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं टॉलुइन। इसके नाम को याद रखेंगे टॉलुइन। अब इस पे आओ, ये जब दो मिथाइल ग्रुप बेंजीन से जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग जाइलीन, उसे हम क्या बोलते हैं जाइलीन। और इसमें अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो ऑर्थो जाइलीन, अगर मेटा पोजीशन पे CH3 के रेस्पेक्ट में दूसरा CH3 है तो मेटा जाइलीन, और अगर पैरा पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है तो उसे आप बोलेंगे पैरा जाइलीन। अब इस पे आते हैं, जब तीन CH3 हो 1, 3, 5 पोजीशन पे तो इसका नाम होता है मैसेटाइलीन, मैसेटाइलीन। जब बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग फिनॉल, जब बेंजीन से कार्बन जुड़ा हो उस कार्बन से OH जुड़ा हो तो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल। मैं पहले ही बता चुका हूं बेंजाइलिक पोजीशन के बारे में ना। अब ये देखो ऐसी सिचुएशन जब फिनॉल था उसके एक पड़ोस में CH3 या टॉलुइन था उसके अड़ोस में आपका नेबरिंग साइट पे या ऑर्थो पोजीशन पे OH था, तो ऐसे कंपाउंड को जब CH3 मतलब टॉलुइन है और किसी भी पोजीशन पे OH लगा हो तो उसे बोलते हैं क्रिसॉल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग क्रिसॉल, और इसमें ये लगा है ऑर्थो पोजीशन पे तो नाम हो गया ऑर्थो क्रिसॉल। ऐसे ही ये फिर मेटा पोजीशन पे तो क्या हो जाएगा मेटा क्रिसॉल, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा पैरा क्रिसॉल। अब यहाँ पे आते हैं, जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से जुड़े होते हैं तो अगर ऑर्थो वाली पोजीशन पे तो इनका नाम होता है कैटिकॉल, जब मेटा वाली पोजीशन पे दूसरा हाइड्रोक्सी होता है तो बोलते हैं रिजॉर्किनॉल, और जब पैरा वाली पोजीशन पे होता है तो बोलते हैं हाइड्रो
या क्विनॉल, क्विनॉल बोल देते हैं या हाइड्रोक्विनोन बोल देते हैं। अगर आईयूपीएससी की बात करते हैं तो आईयूपीएससी क्या हो जाता, 1.2 सॉरी बेंजीन 1.2 डाईऑल, बेंजीन 1.3 डाईऑल, बेंजीन 1.4 डाईऑल। इसी के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोक्विनोन था, हाइड्रोजन हट गए तो क्या बचेगा सर, क्विनॉन बनेगा, तो इसका नाम होता है क्विनॉन। इस पे आते हैं, देखिए अगर ये हाइड्रोजन लगा होता तो ये फिनॉल था, फिनॉल से जब हाइड्रोजन हटता है तो बचता है फिनॉक्साइड, और उस फिनॉक्साइड से जुड़ा है सोडियम, तो नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सिमिलरली जब बेंजीन से SO3 एच जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। देखिए इसके बारे में अभी भी बात करी थी, देखो कार्बन 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 आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। अब इसकी बात करते हैं, ये फिनॉल था, फिनॉल में ऑर्थो वाली पोजीशन पे नाइट्रो लगा है तो नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। सिमिलरली ये कौन हो जाएगा, मेटा नाइट्रो फिनॉल। ये कौन हो जाएगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल। इसको देखो इसका नाम क्या होगा, देखो ये तो फिनॉल था, 2 और 4 और 6 पे नाइट्रो लगा है तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2.4.6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये कॉमन नेम याद रखने, आईपीएसी तो आप कर लेंगे, ये कॉमन नेम से कुछ जो आपको याद रखना। अब इसको देखो इसका नाम क्या होगा, ये भाई ये तो बेंजोइक एसिड और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। ऐसे ये देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलैल्डिहाइड। ये होगा मेथॉक्सी बेंजीन, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल। अब इस पे आते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होगा, देखो भाई 4-hydroxy-3-methoxy बेंजाल्डिहाइड, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है वैनिलिन। इसका आईयूपीएसी नेम, ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, पहली पोजीशन पे फिनाइल है तो 1 फिनाइल प्रोप 2 सॉरी थर्ड पोजीशन पे फिनाइल हो जाएगा तो 3-phenyl-prop-2-ene-1-al हो जाएगा। बट कॉमन नेम की बात कर दी है तो इसका नाम होता है सिनामेल्डिहाइड। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स के। कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स को हमें जानना है, कुछ और नेम्स की बात करते हैं। बेंजीन से डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन वन कार्बोल्डिहाइड बोल सकते हैं या फिर आप इसे बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। देखिए ये कंडीशन क्या है, ये एसिटो ग्रुप एसिटाइल ग्रुप है जो किससे जुड़ा है, बेंजीन से, तो हम लोग बोलेंगे एसिटो फिनॉल। कीटोनिक ग्रुप था डायरेक्टली, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपियो फिनॉल। देखिए आईयूपीएससी नहीं कर रहे, कॉमन नेमिंग कर रहे, अगर आईयूपीएससी करते तो ये 3 कार्बन की चेन हो जाती, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन हो जाता, या 2 कार्बन की चेन हो जाती, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन हो जाता, लेकिन कॉमन नेमिंग कर रहे हैं तो इसको एसिटो फिनॉल बोलते हैं, इसे प्रोपियो फिनॉल बोलते हैं। सिमिलरली इसे हम लोग बोलते हैं बेंजो फिनॉल। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे, ये नाम डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में यूटिलाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया क्वेश्चन में बेंजो फिनॉल से कुछ रिएक्शन करानी है तो फिर भैया बेंजोफिनोन बनाना है तो बना तो तब पाएंगे जब बेंजोफिनोन पता हो। तो ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके नोमेनक्लेचर आपको आने चाहिए, कॉमन नेमिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे इसको आप क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। देखो जब अड़ोस पड़ोस वाली पोजीशन है मतलब ऑर्थो पर सी डबल हुआ है तो इसे बोलते हैं फैलिक एसिड, फैलिक एसिड। जब एक कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेटा पोजीशन पर हो तो उसे बोलते हैं आइसोफैलिक एसिड। जब पैरा पोजीशन के हो तो इसे बोलते हैं टेराफैलिक एसिड।
जब SiO2 जुड़ा होता है तो इसका कॉमन नेम हमने पढ़ा था बेंजामाइड। वैसे मैंने बोला था कि आईयूपीएसी नेम जो है इसका बेंजीन बन कार्बोक्सामाइड होगा, बट बेंजामाइड को ही आप ट्रीट करते हैं एज द आईयूपीएसी नेम। अब देखिए दो CNH2 है, देखिए थैलिक एसिड था, थैलिक एसिड से बना हुआ ये अमाइड है तो इसका नाम दे दिया थैलामाइड। थैलामाइड से अगर हम लोग एक अमोनिया को लॉस कर दें इसके रिजल्टेंट ये बनेगा जिसका नाम होता है थैलीमाइड। थैलीमाइड ये थैलामाइड है, ये थैलीमाइड है। अब यहाँ पे देखो NH नहीं है, O है, तो ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया थैलिक एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ये देखो नाइट्रो ग्रुप लगा है बेंजीन से तो क्या हो जाएगा नाम नाइट्रो बेंजीन, ऐसा ये कौन हो जाएगा अमीनो बेंजीन हो जाएगा, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन जिसको आप आईपीएससी नेम की तरह ट्रीट करते हैं, तो एनिलीन हो गया। या एनिलीन की ऑर्थो मेटा या पैरा कहीं भी अगर सीएससी लगा होता है तो इसका नाम होता है टॉलवेडीन, टॉलवेडीन। ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो टॉलवेडीन, मेटा पर सीएससी लगा है तो मेटा टॉलवेडीन, अगर पैरा पे लगा है तो पैरा टॉलवेडीन। याद रखना पैरा टॉलवेडीन यूज होता है बार बार आपके क्वेश्चन में। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। सिंपली अगर नाम करते तो क्या होता 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता। अब यहां पे आता है इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। यहाँ एक्स वेरियस चीजें हो सकती है, जैसे जैसे वो चेंज होगा इसका नाम हम लोग चेंज करते जाएंगे। इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं ट्राइनाइट्रो टॉलवीन। आईयूपीएससी अगर करते तो क्या होता 2.4.6 ट्राइनाइट्रो टॉलवीन, जिसे हम लोग शॉर्ट में TNT बोलते हैं, जो कि यूज किया जाता है यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, बम वगैरह बनाने में इसको यूज करते हैं यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। जब बेंजीन से डायरेक्टली सीएच जुड़ा होता है तो बेंजो नाइट्राइल इसका कॉमन नेम दिया था, जिसको हम लोगों ने आईपीएससी नेम की तरह भी ट्रीट किया था। अब इसको देखते हैं, देखिए मेन फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर 1-2 सेकंड पोजीशन पे लगा है, इसकी आईपीएससी कर रहा हूँ, सेकंड पोजीशन पे ईस्टर लगा है, लेकिन ये कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से जुड़ा है तो क्या प्रीफिक्स लगेगा एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल मतलब दो कार्बन तो इथेनॉइल ऑक्सी, 2-ethanoyl oxy benzoic acid, और इसी का कॉमन नेम होता है एस्पिरिन। ये वही सॉल्ट है जो पेन क्लर्स में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नैप्थलीन, और जब तीन रिंग्स फ्यूज होती हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग एंथ्रासीन। तो सिंपली ये कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स थे जिनके कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए, जो बार बार आपके क्वेश्चंस में आपके केमिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूटिलाइज होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली पूछ लिए जाए किसी क्वेश्चन की फॉर्म में हो, किसी कन्वर्जन की फॉर्म में हो, किसी रिएक्शन की फॉर्म में हो, तो ये इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर को आज खत्म कर लिया है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनकी एक प्रैक्टिस सेट की सीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कोशिश करेंगे वहां के जो भी डाउट्स हों आपके वो सारे के सारे में वहां पे डिस्कस कर लूं। दूसरी बात, उन प्रैक्टिस सेट्स को लगाने के बाद में आप अपनी NCERT सेकेंड बुक जो है क्लास 12th की, उसमें आपके 4 चैप्टर है स्टार्टिंग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिंस, एल्कोहल फेनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड चौथा है उसी में अमाइन, मतलब चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13। इन चारों चैप्टर्स के NCERT एक्सरसाइज में, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल में, NCERT इन टेक्स्ट में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एवरेज हर चैप्टर में 15-20 क्वेश्चंस आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप क्या करेंगे ट्राई करेंगे।
पहले जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो लगाएंगे, और उसके बाद में एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है आपकी क्लास 12 के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें।